यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा की बुराई को मोदी ने मिटाया। मेरे पास उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास विभाग है और हमने खुद देखा है कि मनरेगा में पहले कितनी बुराइयां थी, लेकिन आधार से जुड़ने और अन्य सुधारों से मोदी सरकार और योगी सरकार ने मनरेगा को उपयोगी बनाया है। केन्यू संवाददाता अमित दुबे ने खास बातचीत की उनसे, दिखा रहे। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ है। सर, जिस तरह से उपचुनाव होने हैं, चाहे फूलपुर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, अब संयुक्त उम्मीदवार सामने आ रहा है, क्या लगता है इस बार टक्कर होने वाली है? इसके पहले भी लोग संयुक्त रूप से लड़े थे और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोगों का सफाया हुआ आपने देखा। सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पर जीती। उसके बाद विधानसभा का सिकंदरा का उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी जीती। आज के तारीख में 10 महीने में जो काम हुआ है, चाहे किसानों के लिए, चाहे नौजवानों के लिए, चतुर्दिक विकास की जो आंधी चली है, उसमें सारे लोगों का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। ग्रामीण विकास आपके पास में है, लगातार सरकार विकास के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत चाहे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को उस तरह से नहीं दिख रही है, विपक्ष लगातार दावे कर रहा है। मेरे पास ग्राम विकास विभाग की जिम्मेदारी है और मैं नोडल के रूप में काम देखता हूं और निश्चित रूप से 8,85,000 मकान 10 महीने में भारत के अंदर किसी राज्य में आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा जो बना करके गरीब लोगों को हम लोगों ने सुपुर्द किया है, उनको चाबी दिया है, उनको ताला दिया है और 8,85,000 मकान लोगों को बन करके मिल गए। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और ग्राम विकास विभाग के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों ने मनरेगा, जो भ्रष्टाचार का केंद्र था, उसको हमने विकास के केंद्र में परिवर्तित किया है। मनरेगा में जियो टैगिंग और मनरेगा के आधार जो पेमेंट की सिलसिला था, उसमें भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बहुत आगे है और जो परसेंटेज है राष्ट्रीय स्तर का, उससे हम बहुत आगे हैं। तो हर क्षेत्र में ग्राम विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और निश्चित रूप से सतत प्रयासों के आधार पर हम उसमें सुधार भी ला रहे हैं, विकास की कड़ी को आगे भी बढ़ा रहे हैं, पारदर्शिता भी आ रही है और समयबद्धता भी आ रही है और इन सब चीजों से हमारा विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है। बात करने के लिए थैंक यू। ये थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं जिसे लेके सरकार लगातार काम कर रही है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली।